जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 11:24 AM और जैसा कि आप लोग देख सकते हो मार्केट को, तो सबसे पहले डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं। दिस इज़ द डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दिया आपके लिए, पढ़ लीजिए इसको पहले। अब मैं आपको रियल बातें करता हूँ, क्योंकि वो डराना ज़रूरी था कि अगर 600 नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि वरना आप लोग बाई करके बैठते जो बाकी यूट्यूबर्स आपको बोलते, ठीक है। उस समय भी आपको सेल करने के लिए हमेशा मना किया जब 24 तारीख को 10,800 आया, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि अपने आप को सही साबित करना, मेरा काम यह है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको सही सलाह देना। दोस्तों आज मैं यहाँ पे, मेरी जीत ऑलरेडी हो चुकी है जब 11,800 आ गया, यानी कि पिछली वीक से हम 100 रुपये नीचे है हाई से, जबकि पूरी दुनिया आपको 12,200, 300 सब बोली थी और मैं खुल के बोला था कि पहले 11,600 आएगा, तो 11,600 तो बहुत दूर नहीं रहा, 200 पॉइंट रहा, लेकिन जीत इसको बोलते हैं। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे जिसने भी शॉर्ट किया, क्योंकि मैंने सुबह ही आपको चाय की चर्चा में बोला 790 एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि वो रीटेस्ट लेवल है उसका, तो यहाँ निकल जाइए। मेरा वादा इसलिए नहीं था कि आपको मैं प्रूफ करूँ, मेरा वादा इसलिए था मैं वीडियो बनाने छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप कितने भी कोई कुछ भी बोल दे, ये दुनिया का, ये पब्लिक सेवा के लिए चैनल खुला और खुला रहेगा, लेकिन सही सलाह दूंगा। इस समय एक बार प्रॉफिट जरूर से बुक करिए, ज़रूर से बुक करिए। 790 के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर फर्दर शॉर्ट मारिए 790 के नीचे, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि 11,600 नहीं आएगा, मेरा टारगेट तो अब 8,300 का है, लेकिन वो 4 महीने का है। इस 6 तारीख तक मेरा टारगेट है 11,200 के नीचे, 6 नवंबर तक का, ये मैं जवान दे रहा हूँ, 6 नवंबर तक का टारगेट आपका 11,200 के नीचे, ठीक है। 6 नवंबर लिख लीजिए, और अगर ये रॉन्ग होता है तो आपका जूता मेरा सर, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो उसके बाद। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। तो दिस इज़ कॉल्ड पीजे ऑलवेज विद द पब्लिक। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय।